हेलो भाइयों, आज अपने पास में वीवो वी सेवन प्लस आया है, जिसकी चार्जिंग जैक चेंज करनी है, जो कि ये चार्जिंग स्ट्रिप पे लगी हुई आती है। ज़्यादातर भाई इसी को चेंज कर देते हैं, ऐसा ना करें। सिर्फ इस ये सॉकेट ही ख़राब हुआ है, तो इसी को चेंज करना है। अब जैसे कि देखिए, इसमें पूरा डस्टिंग हो रखा है। यदि अपन ये चार्जिंग इन करते हैं तो ये जाता ही नहीं है, इससे ज़्यादा अंदर ये प्रेस होता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस सॉकेट को ही चेंज करना होगा, जो कि अपन इस वीडियो में करके देखते हैं। सबसे पहले हॉट गन को अपन ऑन कर लेते हैं, और हॉट गन से ही इसको निकालना है और आयरन के द्वारा इसको लगाना है। तो हॉट गन को अपन किस तरफ से गर्म करें ताकि ये ईजिली निकल जाए। तो जहाँ पे ये पांच टंगे जहाँ पीछे होती है, और जहाँ पे ये एक प्रकार की सील लगी हुई है ब्लैक कलर की, तो इस साइड से गर्म करने से कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि सील के अंदर ये गर्म नहीं होगा और ये ईजिली निकलेगा नहीं, और जो पांचों टंगे हैं, जो प्रिंट है अंदर के, वो टूट जाते हैं। तो अपन को बैक साइड से गर्म करना होता है, ताकि चारों टंगे और पीछे की जो पांच टंगे हैं उसका बैक गर्म होगा, उसके बाद अपन इस चार्जिंग सॉकेट को ईजिली निकाल पाएंगे। तो देखिए, इसको पीसीबी होल्डर में लगा देते हैं। एक चिमटी का सहारा लेके बटन से इसको गर्म करते हैं। वही एयर फ्लो बाहर की तरफ रखना है। एक जगह नहीं रखते हुए उसको मूवमेंट कराते रहना है। प्रकार अपन ने निकाल दिया इसको हाथों हाथ। अभी जैसे कि प्लेट गर्म है तो डी सोल्डर कर लेते हैं। प्लेट जब गर्म होती है तो डी सोल्डरिंग बहुत इजी तरीके से हो जाती है। चारों होल इसके ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ से प्लेट को अपन इस होल्डर से हटा लेते हैं। फाइव लेग जो पीछे की है वो एक्यूरेट है। अब उस पर थोड़ा सा एक जो ब्लैक कलर की सील लगी हुई थी वो लगी हुई है, उसको धीरे धीरे आयरन के द्वारा अपन रिमूव करते हैं। आयरन को थोड़ा तिरछा चलाना है, ताकि जो सील लगी हुई है वो इजीली रिमूव हो जाए। पांचों टांगे बिल्कुल ओके है। एल्युमिनियम पेस्ट लगा लेते हैं इन पे। हल्का सा इस पे पांचों पे रंगा लगा लेते हैं। चारों टांगे और पांचों टांगे ये सब कुछ ओके है, क्लियर है। ये यदि साबुत लगेगी निकलेगी तो इसको साबुत लगाने में, मतलब इजीली लगाने में बहुत इजी रहेगा। और यदि यही टांगे निकालते समय पीछे कोई भी टांग टूट जाती है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब अपन इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने का ही सारा खेल है। पीछे से गर्म करना, आगे से गर्म नहीं करना है। एज इट इज़ अपन ने इसका चार्जिंग सॉकेट लिया,
और जो इसकी पांच टांग है, सिर्फ पांचों टांगों पे अपन को रंगा लगाना है। पाँचों पे अपन ने रंगा लगा दिया है। जो चार टांगे हैं उन पे नहीं लगाना है, क्योंकि इन पे लगा देंगे तो ये इजीली डीसोल्डरिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए इन पे नहीं लगाना है, सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी। एज इट इज इसको अपन ने यहाँ रखा, चारों होल अंदर चले गए और देखने पे आ रहा है बिल्कुल बराबर है, एक्यूरेट है। जब ये बराबर लगे इसको हल्का सा पकड़ के रंगा, ये किसी भी एक टांग पे रंगा लगा दीजिए प्रेशर देते हुए, एक टांग पे ही लगाना है। और अब अपन को ठंडा होने का इंतज़ार किया, और अब ये देखा ये बिल्कुल पांचों टांगे बराबर है, सब कुछ ओके। तो अब इसको पलट दीजिए। पलटने के बाद में इसके जो चारों होल हैं उसमें प्रेशर देते हुए सोल्डर पेस्ट डाल देना है, सोल्डरिंग कर देनी है। दो उधर के हो गए, एक इसको भी हो गया। चारों टांगों को अपन ने अच्छा सा रंगा लगा दिया, ठेठ तक ये पीछे तक गर्म हो गई है। एक्यूरेट है। अब बचा ये पांच टांगे, इनको रिपेयर करना है, इनको जोड़ना है। तो बस हर टांग के पास में एक एक बार आयरन आपको लेके जाना है, जैसे, और एक एक बार हल्का हल्का इसको प्रेस कर देना है। दोनों तरफ रंगा लगा हुआ है, आयरन के गर्म होते ही, मतलब गर्म आयरन पे लगेगा तो दोनों आपस में ये एक हो जाएंगे और सप्लाई आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये एक्यूरेट है, यहाँ तक सब कुछ ओके। पांचों टंगे इसकी एक्यूरेट चिपक गई है। रहा इसको अपन जम्पर वायर के द्वारा अपने जो लैंप है उसके माध्यम से चेक कर लेते हैं कि सप्लाई बाहर आई के नहीं आई। तो जैसे कि ये चार्जर सॉकेट फीमेल है, तो फीमेल में ये इधर वाला प्लस होता है, ओके। ये लाइट जल गई तो ये ओके है। यहाँ तक रहा, इसको कनेक्ट कर लेते हैं फोन के साथ भी। उनको ऑन किया, इमरजेंसी लग रहा है। और ये इसने चार्जिंग का निशान दिखा दिया है, तो ये इस प्रकार चार्जिंग हो गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।